बेटा जो आज हमारा टॉपिक है वो है मोनोकोट एंड डाइकोट पार्ट्स। आज हम पढ़ेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट में फर्क बयान कर सकते हैं। अब आपके पास मसलन ये प्लांट, आपके पास ये प्लांट है गंदम का। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है? आप इसको देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसके पत्ते देखेंगे, इसकी जो जो इसका ये सिटा है, इसके अंदर जो इसका गंदम है उसको आप देखेंगे, फिर आप बता सकेंगे कि ये मोनोकोट है या डाइकोट। अब मोनोकोट ऐसे प्लांट हैं जिनमें जिनका जो बीज है उसमें सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। कोटिलेडन कहते हैं जो उसके अंदर, जैसे चने के अंदर दो दाने नहीं होती, जो एक दाल वाला होता है उसको हम कहते हैं मोनोकोट। इसको जो पत्ता है वो होता है ब्रीक। इसमें हमारे पास ज्वार का है, गंदम का है, बाजरे का है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल पैरेलल और लंबूतरे होते हैं। और इसके जो फूल है इसमें ज्यादा तीन पत्तियां होती हैं या तीन का मल्टीपल, तीन या छह। ये हमारे पास प्लांट है मोनोकोट, जिनके पत्ते लंबूतरे होते हैं लंबे, और फूल जो तीन का मल्टीपल होता है, और इनका जो बीज है उसमें सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, यानी उसको हम तोड़ कर दो इससे उसके लिए बना। प्लांट ऐसे पौधे या प्लांट्स को कहते हैं जिसके बीज में, वो कहते हैं जिसके बीज में एक कोटिलेडन हो, कोटिलेडन हो, मोनोकोट कहलाता है। मसलन गंदम, मक्की वगैरह, यानी ऐसे पौधे जिनके जो बीज है उसके अंदर सिर्फ एक कोटिलेडन होता है। अब कोटिलेडन क्या है? एक कोटिलेडन हो उसको मोनोकोट कहते हैं। मसलन गंदम, वीट या मक्की, मेज, हाँ बाजरा वगैरह, ये ऐसे पौधे हैं जिनके बीज में एक कोटिलेडन होता है, और इसी बुनियाद पर इनको मोनोकोट कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी तरफ पौधे ऐसे हैं जिनको हम डाइकोट कहते हैं। बीज में दो कोटिलेडन होते हैं, दो कोटिलेडन होते हैं, इनको डाइकोट कहा जाता है। मसलन चना, मटर वगैरह, या आपके पास बादाम है, उनके बीज के मगर इसे करें तो वो कुदरती तौर पर पहले ही दो हिस्सों में है। जब आप इसको यहाँ से तोड़ते हैं, इसको आप ओपन करके इसको आप देखते हैं, तो इसके आप जब इसको सेपरेट करते हैं तो ये देखें इसके अंदर दो दाले हैं। इसका जो खोल है, जो छिलका है, उसके अंदर दो दाले हैं। इसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन। ऐसा पौधा जिसके बीज में दो कोटिलेडन होगा उसको हम डाइकोट कहते हैं। ये देख सकते हैं ये एक कोटिलेडन है, और ये हमारे पास दूसरा कोटिलेडन है, यानी हमारे पास ये देख सकते हैं कि एक बीज के अंदर दो दाले निकल रही हैं। तो ऐसा पौधा जिसके बीज में दो दाले हो या दो कोटिलेडन हो, आर टू कोटिलेडन, इट इज कॉल्ड डाइकोट प्लांट। पास बादाम है, आपके पास लोबिया है, ये कोई भी, तो अगर मोनोकोट देखें तो इसका जो बीज उसमें आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, अगर हम इसको तोड़ें तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक कर सकते लेकिन इसके दो हिस्से नहीं हो सकते जैसा कि चना के थे। तो ये जो गम है इसके कुदरती तौर पर एक ही एंडोस्पर्म है, इसके अंदर दो कोटिलेडन नहीं पाए, इसके अंदर एक ही एंडोस्पर्म है, यानी इसके जो हमारे पास जिसको हम इसको ग्राइंड करके इसका फ्लोर बनाते हैं ना आटा, वो इसका ये एक हिस्सा है। इसका जो खोल है ना, खोल, उसके अंदर एक ही कोटिलेडन है, दो कोटिलेडन नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं, इसको कहते हैं मोनोकोट। इसी तरह हमारे पास बाजरा है, शुगर कैन है, वो भी मोनोकोट की मिसाल है। अब जो मोनोकोट के जो लीफ है, पत्ते हैं, वो लंबूतरे होते हैं, लंबे होते हैं, और इनके जो वेन्स है ये देखें आप, अगर आप इसको देखें तो इसकी देखें जो वेन्स है ये पैरेलल है, साथ साथ ये देख सकते हैं आप, इसकी जो वेन्स है वो पैरेलल है, वेन्स है बिल्कुल पैरेलल है, इसकी जो वेन्स है पैरेलल है, पत्ते हैं उनकी जो वेन्स है आपको ये नजर आ रही है लाइंस, ये उसकी वेन्स है,
और ये बिल्कुल पैरेलल है, ये आपस में इंटरमिक्स है, ये आपस में दूसरे को क्रॉस है नहीं करते। जो मोनोकॉट है उनकी जो पत्ते हैं लंबे होते हैं और इनकी जो देयर सीड हैव टू कोटिलेडन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चना है ये हमने पहले भी देखा है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका जो छिलका है इसके अंदर से दो कोटिलेडन निकलते हैं, ये और एक ये है, दो कोटिलेडन निकलते हैं, इसलिए इसको डाइकोट कहते हैं। अब आपके पास इसका पता, जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनके जो पत्ते थे वो चौड़े होते हैं बड़े, जैसे पीपल, पीपल का बोर्ड का दरख्त आपने देखा है, जामुन का, उसके पत्ते बड़े होते हैं। और ये देखिए इसके एक सेंट्रल वेन है और इसमें से काफी निकलती है जो आपस में इंटरमिक्स होती है वेन्स। ये देखें ये एक पूरा नेटवर्क है, वेन्स का एक नेटवर्क है, एक जाल है, लेकिन मोनोकोट में ऐसा नहीं है। मोनोकोट में पैरेलल है, इसमें पैरेलल नहीं है, बल्कि क्या है दूसरे साथ इंटरमिक्स है, एक दूसरे के साथ क्रॉस करती है, एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल है। दो फर्क हो गए मोनोकोट और डाइकोट में। अब तीसरा फर्क ये है कि जो डाइकोट है उसके जो फ्लावर है, फूल है, उसकी जो पीटल्स होती है, पत्तियां, रंगदार पत्तियां, जैसे आपके पास गुलाब का पौधा है उसमें या तो पांच होती है या पांच का मल्टीपल, यानी पांच हो सकती है, दस हो सकती है, पंद्रह हो सकती है, बीस हो सकती है, लेकिन जिसके हमारे पास ये मिसाल है, हमारे पास ये मक्की है, इसका एक ही मोनोकोट है, इसके कोटिलेडन में सिर्फ एक कोटिलेडन है। और डाइकोट ऐसे पौधे हैं जिनके बीज में दो कोटिलेडन होते हैं, मसलन चना मटर वगैरह, जिसकी हमारे पास ये मिसाल है, जो चना है और मटर है इसमें दो कोटिलेडन होते हैं। और हमारे पास ये इसका पौधा है, ये इसका पौधा डाइकोट, जब आप इसके बीज को ओपन करेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे तो इसमें से दो कोटिलेडन निकलते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये देखें दो कोटिलेडन। दिस प्लांट इज कॉल्ड डाइकोट प्लांट। There are main three difference between monocot and dicot. First one is monocot, that one is seed, इसका बीज, इसमें एक कोटिलेडन होता है और डाइकोट में दो कोटिलेडन होता है। Second difference between monocot and dicot is leaf. The monocot leaf is has vein which are parallel to each other. जो इसके पत्ते हैं उसकी जो वेन होती है वो पैरेलल होती है, मतवादी होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। डाइकोट जो लीफ होता है इसका जो पत्ता है वो चढ़ा होता है, फ्लैटन होता है, और इसके जो वेन्स हैं उसका नेटवर्क होता है, दे आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होते, बल्कि क्या होता है इसमें एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है वेन्स का। एंड और इसमें तीसरा जो फर्क है मोनोकोट और डाइकोट में वो है कि मोनोकोट इसमें जो उसकी पत्तियां हैं डिफरेंस वो तीन होती है, या तीन का मल्टीपल होता है, तीन होगी या छह होगी या नौ होगी। और जो डाइकोट प्लांट है इसका जो फूल है या फ्लावर है इसकी जो पत्तियां हैं वो पांच का मल्टीपल होगी, पांच होगी या दस या पंद्रह या बीस, जैसे कि आपके पास गुलाब का फूल है उसमें पच्चीस से तीस चालीस तक पत्तियां हो सकती हैं, क्या वो पांच का मल्टीपल। तो ये हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट ऐसे जिनके बीज में सिर्फ एक कोटिलेडन होता है, मसलन गंदम मक्की वगैरह, और ऐसे पौधे जिनके बीज में दो कोटिलेडन होते हैं उनको हम डाइकोट्स कहते हैं, मसलन चना मटर वगैरह। आपने बेटा इनमें से मोनोकोट बीज उठाने हैं, तीन चार उठाओ और बच्चों को शो को दिखाओ और इनको बताओ ये कौन से है ये बीज। मोनोकोट इन्हें क्यों कहते हैं? हाँ, इसमें एक कोटिलेडन होता है।